बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि शादी के बारे में, शादी से पहले हमें क्या तैयारी करनी है, क्या जीवन होगा, कैसे रहना है, शादी के बाद क्या होगा, पत्नी से क्या विवाद होगा, पत्नी से क्या व्यवहार होगा। तो ये बातें मैं आज आपको बताऊंगा, जिसको जान के आप जिंदगी खुशहाल हो। आज हम बात करते हैं शादी से पहले भ्रांतियों की। हर नौजवान को कई किस्म की भ्रांतियाँ होती हैं। मेरे इसमें मैं आपको तीन भ्रांतियाँ बताता हूँ। शादी से पहले यार दोस्त ना वो मैरिज काउंसलर होते हैं, ना वो डॉक्टर होते हैं, और मामू चाचा ताया मौसा जो हम उम्र दोस्त मित्र हैं, वो तरह तरह की भ्रांतियों में हमें डाल देते हैं कि शादी के बाद कहने क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली भ्रांति आती है, वो बताते हैं कि पत्नी को कब्जे में रखना है, रोक डालना है। पत्नी रोक डालने की चीज़ नहीं आपकी करती है, नहीं, रोक डालना नहीं होता। आपने अपनी पत्नी को मान सम्मान देना है, वो मान सम्मान जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि तो जैसी आप डिसीजन करेंगे वैसी आप करवाएंगे, रोग वाला कोई काम नहीं होता। दूसरी राय वो लोगों की ये होती है कि फर्स्ट नाइट को ही काम कर देना है, अल्लाह बोल देना है, सील तोड़ देनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ताजमहल वाज नॉट मेट देने दें कोई भी काम। आप साइकिल चलाना नहीं सीखते हैं तो हम एक दिन में नहीं सीख जाते। पत्नी के साथ अपना विवेक मित्रों वाला रखिए, प्यार मोहब्बत रखिए, तो नेचुरली आप धीरे धीरे, कई दफ़ा तो इस काम में दो तीन दिन भी लग जाते हैं। आपने सील तोड़ना है, सेक्स करना है, या सुहागरात बनानी है, तो उसका एक ढंग है, एक तरीका है, हल्ला बोलना। सुहागरात में या सुहागरात के दो चार दिनों में जब आप संभोग कर लेते हैं, आपका संभोग हुआ, आप डिस्चार्ज हो गए, आपको संतुष्टि मिल गई, क्योंकि आप खाते हो गए, आप फिर सो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर भी आपकी पत्नी भी संतुष्ट हो गई है। उसकी बॉडी लैंग्वेज की, उसकी चेहरे की, उसकी आंखों की पढ़ाई की ये देखिए, फिर आप आगे चलिए। ये जो मैंने आपको तीन भ्रांतियाँ बताई, नंबर एक रोग डालना, तीसरा उसके साथ जबरदस्ती सील तोड़ने वाली, सेक्स करने वाली बात, तीसरा संतुष्टि वाली बात, इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो नेचुरली आप खुशहाल रहेंगे। तो शादी के बाद पत्नी को हम मिलते हैं तो हमारा व्यवहार उससे रोग वाला नहीं होना चाहिए, दोस्ती वाला होना चाहिए। उसके पास बैठिए, उसकी बातचीत सुनिए, अपनी बातें बताइए, उसकी बातें सुनिए, साथ साथ में टच भी करते रहिए, ताकि आपका प्यार मोहब्बत दोस्ती हो जाए। जब आपकी दोस्ती हो जाती है फिर आपको बढ़ना है आगे लव करने के लिए, शारीरिक संपर्क बनाने के लिए। और ये भी जरूरी नहीं कि पहली रात में शारीरिक संपर्क बन जाए या हम संभव कर लें, नहीं हो रहा, आप डिस्चार्ज हो गए जल्दीबाजी में, बहुत लोग हो जाते हैं, या और प्यार नहीं, वो डर रही है, तो उसको अगले दिन पे डाल दीजिए। दूसरी बात है, दोस्ती के साथ साथ अगर आप संभव करने की बात कर रहे हैं तो उसका एक तरीका है, एक सलीका है, दोस्ती कर ली आपने, साथ साथ में आप हाथ फेरिए, उनको सहलाइए, उनके कपड़े उठाइए, उनका हाथ पकड़ के अपने पड़े में पाड़ के एरिए में रखिए, अपनी छाती पे रखिए, उनको हक कीजिए, तो नेचुरली आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जब आपकी दोस्ती हो जाती है और आप लव करने के लिए तैयार हैं तो उसकी सलाह लीजिए बच्चा प्लान करने के लिए। बच्चा प्लान करना है, बच्चा भी नहीं करना है, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि उनके दिन कौन से चल रहे हैं, क्योंकि हर आप जो बच्चा ठहरता है मंथली स्टार्ट होने के 13 दिन बाद ठहरता है। अगर वो नहीं चाहती तो कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको जल्दी ही बच्चा होने वाली बात मुसीबत समस्या ना बन जाए। शादी के फौरन बाद संतुष्टि के लिए आपको फोर प्ले से काम लेना चाहिए। फोर प्ले में 10 मिनट, 15 मिनट, इवन 20 मिनट तक लगने चाहिए। उसमें दोस्ती बढ़ती है और आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। जब आप फोर प्ले करते हैं फिर आप लव कर देते हैं, अगर उसमें संतुष्टि में कोई कमी रह गई है, हाथ फेरने में, अपना हाथ लगाने में, उंगली देने में, सेक्स करने में, इन बातों में कोई कमी रह जाती है, तो नेचुरली बात भी आप आफ्टर प्ले कर सकते हैं। उसको सहलाना, उसको हग करना, सीने से लगा के रखना, इन बातों में उसके फेवरेट पार्ट के ऊपर हाथ रखना, हाथ फेरना, जो कंधे हैं, नाज़ुक एरिया हैं, होंठ हैं, आंखें हैं, बैक है, प्राइवेट पार्ट का जांघों का एरिया है, इन एरियों को आप सहलाएंगे, छुएंगे, तो नेत्री सामने वाले को प्यार आएगा ही, और वो आपके साथ सटके रहेगा और खुश रहेगा।